एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया दो में इस मूवी का रिस्पॉन्स रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहान देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने 43.5 थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नेटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वेली मैडिसन ने ऐसा बेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी वी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया दो में इस मूवी का रिस्पॉन्स रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बेनियोफ़ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानॉग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिड का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का कैरेक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मेडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाहल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो so, काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो यर में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर बोडर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनिऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसिडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवैटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गहलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मेडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर बोडर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहान देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने 43.5 थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नेटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वेली मैडिसन ने ऐसा बेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो so, काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है जरूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया दो में इस मूवी का रिस्पॉन्स रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बेनियोफ़ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानॉग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का कैरेक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मेडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वार इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बेनियोफ़ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो हज़ार चार में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनिऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसिडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवैटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का कैरेक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वेली मैडिसन ने एसाबेले वेले का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहॉन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवैटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो so, काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी पर देख सकते हो वूडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नेटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वेली मैडिसन ने ऐसा बेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो हज़ार चार में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डैड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी वी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया दो में इस मूवी का रिस्पॉन्स रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बेनियोफ़ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानॉग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवैटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का कैरेक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाहल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वार इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावा ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो हज़ार चार में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनिऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसिडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवैटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गहलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मेडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो so, काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को और टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानॉग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहॉन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर बोडर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नेटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वेली मैडिसन ने ऐसा बेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डैड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया दो में इस मूवी का रिस्पॉन्स रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही मैं बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बेनियोफ़ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानॉग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिड का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का कैरेक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मेडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाहल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वार इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनिऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावा ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस, रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आईएमडीबी पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो so, काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डैड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनिऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवर्स्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सनमैटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसिडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवैटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गहलहा हाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का कैरेक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का कैरेक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का कैरेक्टर निभाया है वैली मेडिसन ने एसाबेले वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चायल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरे मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉड्रे ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो ज़रूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टीवी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरीडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ऑफ ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैलहॉन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगवेटसन फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नैटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वैली मैडिसन ने ऐसा वेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलियम्स विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर बोडर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी पर देख सकते हो वो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रदर्स मूवी के बारे में यह मूवी साल 2009 में रिलीज़ हुई थी काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी इस ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं क्योंकि काफ़ी बढ़िया 2009 में इस मूवी का रिस्पांस रहा था सो अगर आप भी ब्रदर्स मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि 2009 में रिलीज़ हुई ब्रदर्स मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड लिखा है कितने बजट में ब्रदर्स मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में पता चल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कास्ट के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में फुल डिटेल में आपको ब्रदर्स मूवी का रिव्यू मिलने वाला है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी को डायरेक्ट किया है जिम शेरिडन ने स्क्रीन प्ले लिखा है ब्रदर्स मूवी का डेविड बैनि ने प्रोड्यूस किया है इस मूवी को माइकल डे लूसा ने सिगुर जॉन सिगवस्टनसन ने रियान कावानाग ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉवे मैग्यूर देखने को मिल जाते हैं जेक गैल्हन देखने को मिल जाते हैं नेटाली पोर्टमैन देखने को मिल जाते हैं सैम सेफर्ड देखने को मिल जाते हैं क्लिफ्टन कॉलियंस जूनियर देखने को मिल जाते हैं एंड मेयर बिनिंगम भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे सरमाइटोग्राफी की है ब्रदर्स मूवी में फ्रेडरिक एलमेस ने और एडिट किया है इस मूवी को जे कैसीडी ने और म्यूजिक किया है इस मूवी का थॉमस न्यूमैन ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं इस मूवी के माइकल डे लूसा प्रोडक्शंस रिलेटिविटी मीडिया सिगफेटसन फिल्म्स और डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रदर्स मूवी को लॉयंस गेट ने इस मूवी का रिलीजिंग डेट फोर्थ दिसंबर 2009 है और रनिंग टाइम है इस मूवी के 105 मिनट और इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंड पेस्टो लैंग्वेज में ऑफिशियली देखने को मिल जाती है बजट की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी का बजट ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर का रहा था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने 43.5 थ्री पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर टॉबे मैग्यूर ने कैप्टन सैम चाहिल का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जेक गैलह गैलहाल ने टॉमी काहिल का करैक्टर निभाया है नेटाली पॉटमैन ने ग्रेस काहिल का करैक्टर निभाया है सैम शेफर्ड ने हैंक काहिल का करैक्टर निभाया है मेहर बिनिगम ने एलसी काहिल का करैक्टर निभाया है वेली मैडिसन ने ऐसा बेले चाहिल का कैरेक्टर निभाया है टाइलर गियर ने मैगी चाइल्ड का कैरेक्टर निभाया है पैट्रिक फ्लूगर ने प्राइवेट जो विलिस का कैरेक्टर निभाया है कैरे मुलिगन ने कैरी मुलिगन ने कैसी विलिस का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जॉनर की बात की जाए तो ब्रदर्स मूवी एक साइकोलॉजिकल ड्रामा वॉर मूवी है जिम शेरिडन द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया था एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 2009 में इस मूवी को पसंद किया था इस मूवी ने इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन काफ़ी बड़ा फिर भी यह मूवी चर्चा का विषय बनी थी इस मूवी को आई पर वन लैक थर्टी थ्री थाउजेंड लोगों ने वोट्स दिए हैं एंड इस मूवी को आई पर सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है सो काफ़ी अच्छा आपको यह मूवी लगने वाला है ज़रूर से आपको देखना चाहिए इस मूवी में एक्ट्रेस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है सभी एक्ट्रेस का कमाल का काम आपको ब्रदर्स मूवी में देखने को मिल जाएगा टॉबे मैग्यूर लीडिंग रोल में देखने को मिल जाएंगे एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और यह मूवी आपको बता दें कि रीमेक है दो में आई डैनिश फिल्म का और यह मूवी एक बॉर्डर ब्रॉडर के ऊपर लिखी गई है एंड एक वॉर इन अफग़ानिस्तान के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है कि कैसे डेड प्रिजनर्स वॉर इन अफ़ग़ानिस्तान में डील करते थे वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा सो जरूर से आपको ब्रदर्स मूवी देखनी चाहिए बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो यह मूवी आप YouTube पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इस मूवी को ओर टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो प्राइम वीडियो पर देख सकते हो एप्पल टी वी पर देख सकते हो वडो पर देख सकते हो रेड बॉक्स पर देख सकते हो एंड साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम